गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो अभी अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं सबसे पहले गर्म पानी के साथ अपना सुबह की शुरुआत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कभी मैं हनी के साथ लेती हूँ, पर मैं अभी फ़िलहाल हनी के साथ नहीं ले रही हूँ, बस प्लेन पानी ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरा पानी पीना हो चुका है, तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। ऐसे तो मैं दूध को उबाल लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ, पर आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं चाय पत्ती को पहले डाल के खौला लेती हूँ, उसके बाद दूध ऐड करूँगी, इसका टेस्ट कैसा आता है। सो मैं इस तरह से आज बनाने जा रही हूँ, पर आज इस तरह से बनाने जा रही हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं खासकर। और ये देखिए, इसमें तेज़पत्ता ऐड करते हैं, इससे थोड़ा टेस्ट अलग आता है और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पे चाय मेरा हो चुका है, अब मैं इसे छान लूँ और उसके बाद चाय पी लेते हैं, तभी मैं घर के दूसरे काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं चाय पीने। अगर सुबह मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चे को ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ, उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, इत्मीनान से बैठ के पीती हूँ, उसके बाद ही मेरा किचन के काम होता है। तो आज मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊँगी, भुजिया बनाऊँगी, सब्जी नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इस तरह से गोल गोल शेप में उसे काट चुकी हूँ और इसे हल्के ब्राउन होने तक भूंजूँगी। तो कभी कभार मैं इसका भुजिया भी बना लिया करती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, मेरा तेल गर्म हो चुका है और इसमें मैं जीरा और राई डाल चुकी हूँ। इसके बाद मैं छौंक लगाऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर मूली से आप इसमें छौंक लगाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं ये सब्ज़ी। यहाँ पर हरी मिर्च और मूली से मैं छौंक लगा रखी हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी में, इसी तरह से हम लोग के यहाँ बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खासकर। नहीं तो मूली नहीं है आपके पास तो आप इसमें कुछ प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज वाले उतना पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा मूली से ही बनाती हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैं सारे घर को बेड को अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। घर में सारे झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ और बेड मैं ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो गया सुबह का सारा काम। अब मैं स्नान कर चुकी हूँ और ये मेरा दोपहर का रूटीन है। मैं सारे कपड़े को अच्छे तरह से सेट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा कपड़ा फैला पड़ा हुआ है, सो मैं अभी अभी उठा के लाई थी और इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि सारे कपड़े को इधर से उधर हो जाते हैं भागदौड़ में, सुबह एक निकालो तो दूसरे निकल जाते हैं, तो बच्चे का कपड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आज मैं अभी अभी स्नान कर चुकी हूँ, सारे काम मेरा घर का हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ मार्केटिंग जाना था, क्योंकि अब दुर्गा पूजा नज़दीक आ गए हैं, तो इसके लिए मुझे मार्केटिंग कुछ करना ही होगा, क्योंकि बच्चे का भी कपड़ा वगैरह लेना है। तो अभी मैं मॉल में जाऊँगी, क्योंकि रोज डेली वेयर वाले कुछ कपड़े खरीदेंगे फेस्टिवल में, तो फेस्टिवल के टाइम पे ही खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे भी बिग बिलियंस डे आ रहे हैं, तो देखते हैं टॉप वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं तो वहाँ से ही परचेस कर लिया जाएगा, तो कुछ दिन बाद ही देखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है सो प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो बस आज का वीडियोज मैं अभी इतना ही, बाद में मिलती हूँ आप सभी से। तो फ्रेंड्स, आज सुबह का ही चावल थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना दी थी, वो बच गए हैं, तो चलिए इसी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्याज काट चुकी हूँ और दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा मैं मूँगफली इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारे को अच्छे से पहले मैं भून चुकी थी, उसके बाद मैं चावल डाल चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगते हैं इस तरीके से आप अगर चावल को भून लो तो, और बच्चे को बहुत पसंद है। ऐसे भी वो लोग बोलते रहते हैं मुझे ठंडा चावल नहीं खाना, सो मैं अभी इसी तरह से भून दे रही हूँ, तो हम लोग सभी मिल के बैठ के खा लेंगे, तो चावल भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और स्वादिष्ट भी लगते हैं इस तरह से।
तो अब शाम होने वाला है, चलिए शाम की तैयारी करते हैं। आज बनाएंगे अंडे। तो मैं अंडे को अच्छे तरह से उबाल चुकी हूँ, और उबालने के बाद ये देखिए इस तरह से मेरा अंडा छिल चुका है। यहाँ पे छिलके उतार चुकी हूँ मैं, बहुत ईजिली छिल चुका है। जैसे कि हम जब भी अंडा को उबालते हैं तो उसमें नमक ऐड ज़रूर करते हैं। नमक ऐड करने से हमारा अंडा का छिलका बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उसी कढ़ाई में मैंने तेल को डाल दिया है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएंगे तो मैं अंडे को उसी में तल लूँगी। और यहाँ पर मैं मसाला लगाई हूँ, और यहाँ पर ये जिंजर गार्लिक और जीरा काली मिर्च का पेस्ट बनाई हूँ, और यहाँ पर हल्दी है, मिर्ची है और धनिया पाउडर है, सारे बेसिक मसाला है। तो इसमें इसको ऐड कर लेना है थोड़ा देर, जब ये मेल्ट हो जाए यानी मिक्स हो जाए तो वो अच्छे तरह से हो जाते हैं फूलने पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरह मैं तलूँगी, तो सारे अंडे को हल्के ब्राउन करके तलूँगी। उससे पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि जब भी मैं अंडा को तलती हूँ तो इस तरह से कोई एक नोकीले चीज़ लेके अंडे में होल कर देती हूँ, ताकि इसमें जो भी मैं तलूँ तो इसमें गैस आए तो वो फटके हमारे फेस पे हाथ पे उड़ के नहीं पड़ना चाहिए। इसके कारण मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, तो चले मैं अगले बार आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसमें होल कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं अंडे को इस तरह से ब्राउन होने तक तल रही हूँ। यहाँ पर मैं प्याज रखी हूँ ग्रेवी के लिए, आज मैं इसी से ग्रेवी बनाऊंगी। अंडा करी में मैं प्याज से ही ग्रेवी बनाती हूँ। और देखिए इसी तरह से पूरे अंडे में होल करना है, तो मैं इसको भी उसी तरह से ब्राउन करके तल लूँगी। और देखिए इसी तरह से पूरे अंडे में मैं होल करूँगी, ताकि हमारे ये अंडे हैं जो फटे ना। और देखिए अब दूसरी बार मैं इसे भी तल चुकी, और मेरा अंडा करी बन के रेडी हो गया है। मैंने प्याज को अच्छी तरह से भून के उसमें मसाला को भून के अच्छी तरह से ग्रेवी बना चुकी थी। जब वो हल्के से एक उबाल आ गए तो मैं सारे अंडे इसमें डाल चुकी हूँ, और इसी ट्रिक से मैं बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप लोग को कमेंट करके बताना अगर इसका रेसिपी जानना हो तो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि मेरा वीडियोज आपको कैसा लगता है। सो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर